Hello friends, welcome again in my YouTube channel of Biology Concept. So as you all know, we are discussing our video series for class 10th level. So in this video series, we are going to discuss about osmosis. So what is actually is osmosis? I'm going to tell you. There will be the movement of molecules across SPM, and SPM stands for semi-permeable membrane. ओके, अक्रॉस SPM उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस. अब बात आती है कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का. तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, आप ऐसा कह सकते हैं. इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डिफ्यूजन का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था, वहां पे मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट का मूवमेंट था हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है. यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर, हायर से लोअर की ओर हो रहा है. और अगर हम लोग ये बात करें, लेकिन यहाँ पे SPM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. बिना SPM के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं, जबकि डिफ्यूजन के लिए हम लोग फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं. ठीक है, वहां पे परमिएबिलिटी जो होगी वो फुल्ली परमिएबल होगा, सेमी परमिएबल नहीं होगा. तो हम लोग एक डिफरेंट एक वीडियो बना लेंगे, उसमें हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के डिफरेंसेस पढ़ लेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन हो रहा है. दूसरा पॉइंट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है डायलूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर. जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ. जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा का मतलब वहां वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो वहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होगा. या तो आप ऐसे कह दें हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, या आप ऐसे कह दें फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM. तो अब बात आती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो SPM है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो SPM पे डिपेंडेंट है जस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसमें पहला फैक्टर्स है टेम्परेचर. फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, नंबर टू इज प्रेशर, दूसरा क्या है प्रेशर है, और तीसरा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं जिनको डिजोल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिनमें डिसॉल्व किया जाए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना हुआ है. सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो है जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन गया है. तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. अब बात आती है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई से लो की ओर आएंगे. और प्रेशर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर. और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा सुक्रोज सॉल्यूशन से प्योर सॉल्यूशन, आप ऐसा कह सकते हैं, या हम लोग प्योर वाटर से सुक्रोज सॉल्यूशन, या हम ऐसा कह सकते हैं एक लाइन में कि रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, हायर टू लोअर जाएगा हमेशा. अगला पॉइंट ये आता है कि जो ऑस्मोसिस है उनको हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है. एक तो है एंड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के दो टाइप्स हैं, एंड ऑस्मोसिस एंड एग्स ऑस्मोसिस. सेकेंड वन इज एग्स ऑस्मोसिस. These are the types of osmosis. So friends, I will make a separate video on the types of osmosis. That will be end osmosis and egg osmosis, because I want to give some more details in that video about end osmosis and egg osmosis. तो एक पॉइंट मैं आपको यहां बता दूं कि
एक स्पेशल पॉइंट है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं। आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। इस पॉइंट को भी आप क्लियर कर ले, यहाँ पे मूवमेंट होगा वाटर का, ठीक है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग साल्ट्स फ्रॉम सेलाइन वाटर। जब कभी भी हमें सेलाइन वाटर से साल्ट्स को रिमूव करना है, सेलाइन वाटर से हम लोग साल्ट्स रिमूव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल वाटर बन जाएगा हमारा यहाँ पर। उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर काफी अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो उसको हम प्रिवेंट कर पाए। तो ये पॉइंट है, कभी कभी एक स्पेशल पॉइंट आ सकता है कि व्हाट आरओ स्टैंड्स फॉर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ एक पिक्चर के थ्रू भी समझा देती हूँ इसी पॉइंट को जो ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ा। सपोज यहाँ पे दो बीकर्स हैं, ठीक है। इस बीकर में यहाँ पे बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स को मैं ब्लैक कलर से ले ले रही हूँ। जो सपोज दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दिस इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशन सपोज मैंने बहुत पर्पल कलर से ये बनाया हुआ है और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो मैं बना देती हूँ ग्रीन कलर से। सपोज दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पिक्चर आने वाला है वहां पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होगा। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जहां पर ऑस्मोसिस हो रही है। इस पिक्चर में आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर डाइल्यूट के लिए मैंने ये छोटे वाले मॉलिक्यूल्स यूज करे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस तरीके का कुछ आपको पिक्चर दिखेगा और ये जो बीच में मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड एसपीएम एंड विच स्टैंड्स फॉर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूट में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ प्योर वाटर, और कंसंट्रेटेड में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। सुक्रोज एक शुगर है जो वहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। हमेशा ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर ही होगा। इस पॉइंट को आप बहुत ही क्लियर रखें, यहां से यहां मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू SPM, SPM के थ्रू हो रहा है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसा बोलेंगे कि जो डिफ्यूजन है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे बोल सकते हैं जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो टर्म है ये वाटर के लिए यूज किया जा रहा है और ये जो टर्म है ये हम लोग सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं कि कहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और कहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम वाटर के टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम है। अगर हम लोग सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंटेंट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट मोर कंसंट्रेटेड है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली पॉइंट क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैं एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी एंड ऑस्मोसिस और एग्ज ऑस्मोसिस पे, और एक हमारा सेपरेट वीडियो होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पर। उसके बाद हम लोग फर्दर कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक पढ़ेंगे, प्लाज्मोलिसिस डी प्लाज्मोलिसिस। ये काफी बड़ा चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, इसको हम लोग वन बाय वन छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी से हम लोग वीडियो बनाएंगे, टर्गर प्रेशर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, वॉल प्रेशर क्या होता है ये हम लोग को देखना है, ओके। तो हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को से अपडेटेड रहें, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप सबको पता है कि जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं ICSE के क्लास 10th लेवल के वो काफी डिले हो रहे हैं, अब देखते हैं कि कब हो पाते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स वेरी वेल, सो कीप योर कंटेंट वेरी वेल रिवाइज्ड, सो कीप डूइंग रिविजन्स, प्रॉपर रिविजन्स। अगर आपको सक्सेसफुल
बनना है तो आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है, और अपना अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आप प्रॉपर रिवीजन करते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी, आई होप वी विल मीट वेरी सून, एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू ऑल एंड एंजॉय लॉकडाउन, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहें आप सभी लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर।